एक तरफ जल को लेकर भारत सरकार गंभीर है, तो वहीं प्रधानमंत्री ने वर्षा के जल को संचय करने को लेकर पत्र जारी किया है। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने वर्षा के जल को संचय करने के लिए आज एक अनोखी पहल की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में वर्षा के पानी को संचय करने के लिए अनोखी पहल जनपद सोनभद्र में शुरू की गई है। जनपद के रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के उर्मोरा स्थित डायट परिसर में वर्षा के जल संचय करने के लिए एक टाका मॉडल तैयार किया गया। यहां डीएम ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जिला प्रशासन ने वर्षा के पानी को संचय करने के लिए पूरे जनपद में लगभग 5000 टाका का निर्माण करवाया जा रहा है। टाका एक अंडरग्राउंड पक्की टंकी की तरह होता है, जिसमें लगभग 25 से 30 हजार लीटर पानी का संचय किया जा सकता है। इसका उद्देश्य संचय होने वाले वर्षा के जल का पानी शुद्ध रूप से पीने के लिए उपयोग किया जा सकता है, ऐसा सरकार का मानना है। वर्षा के जल संचय को लेकर प्रधानमंत्री का पत्र जारी होने के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में टाका निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। जिले के अधिकारी भी वर्षा के जल संचय को लेकर गंभीरता से अधिकारी उत्साह के साथ टाका निर्माण की प्रक्रिया को गति दे रहे हैं। अधिकारी बता रहे हैं कि टाका निर्माण के लिए लगभग 4000 स्थल चयनित कर लिए गए हैं। 5000 टाका निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें ये अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक है, इसमें पक्का जो है टंकी का निर्माण भूमिगत रूप से कराया जाता है। इसके आसपास एक कैचमेंट एरिया जो है बनाया जाता है, वो कैचमेंट एरिया को साफ सुथरा रखा जाता है और मुरम या पक्का प्लास्टर से उसको बनाया जाता है। तो बारिश में जब पानी उस कैचमेंट एरिया में गिरता है और ये दस्तरी नुमा शेप में बनाया जाता है, जिसके बीच में टाका होता है, तो जो भी पानी उस कैचमेंट एरिया में गिरता है वो बहके जो है उसके टाके के अंदर जो है चला जाता है। इसमें 2 या 4 इनलेट हम लोग बनाते हैं। टाके का जो इनलेट होता है उस पर जिगजैग शेप रखते हैं, ताकि तेज पानी जब बहके आता है तो उसमें जो कंकड़ पत्थर नीचे बैठ जाते हैं और केवल साफ पानी अंदर जाता है। उसके मुहाने पर एक जाली भी लगी होती है, तो जो हल्का कचड़ा नुमा जो होता है वो भी रुक जाता है और सिर्फ साफ पानी उसके अंदर जो है जाता है। ये कहा जाए कि इसमें पानी इकट्ठा होने के बाद क्या सीधी अपील होता है? इसमें जो है हमने TDS मीटर से पूरी उसकी जांच की थी, तो बाड़मेर में जो टाँके थे उसका जो एकदम साइंटिफिक रूप से प्रूवन है कि ये पानी को पिया जा सकता है। और इसमें 4 से 5 बारिश के भीतर ये पूरा टाँका जो है भर जाता है, और एक बार 25,000 लीटर का टाँका अगर भर जाए तो 4 से 5 सदस्यों के परिवार के लिए ये 4 से 5 महीने तक जो है काम आ जाता है, और अगर पशु और मवेशी भी उसका इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 3 महीने तक ये काम। एक न्यूनतम लागत की बात यदि करें तो क्या हो सकता है? इसमें लगभग जो है 1,10,000 के आसपास इसकी जो है लागत आएगी। एक मॉडल एस्टिमेट जो है तैयार किया गया है, उसमें इसकी जो लागत है वो 1,10,000 के आसपास है। आम आदमी यदि व्यक्तिगत रूप से इसे बनवाना चाहे तो कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी? इसमें ये मान के चलिए आप लगभग 400 स्क्वायर फीट की जो है जरूरत पड़ेगी। 100 स्क्वायर फीट की जरूरत सिर्फ टांका निर्माण के लिए, बाकी 300 स्क्वायर फीट लगभग उसका कैचमेंट एरिया बनाने के लिए इसको चाहिए। हुआ था उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों के माध्यम से जल संरक्षण का अभियान चलाने जाने का अनुरोध किया था। इसी क्रम में हमारे जनपद में सभी ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की गई है और एक कार्ययोजना के तहत काम किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं जल संरक्षण का। तालाबों की खुदाई कराई जा रही है, बंदियाँ बनाई जा रही हैं, सूखते गड्ढे बनाए जा रहे हैं। इस तरह के हमारे लगभग 5,000 से अधिक इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत। इसके अलावा आज हम लोगों ने टाँका निर्माण का भी एक शुभारंभ किया है। इसको पक्का टैंक इसको कहा जाता है। पक्का टैंक होता है जो अंडरग्राउंड होता है, इसमें जो वर्षा का जल होता है उसको इसमें रखा जाता है, उसका संचयन किया जाता है और ये पीने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ये पीने के लिए प्रयोग इसका किया जाता है। इस तरह के हम लोग 4,000 टाँके पूरे जनपद में बनवा रहे हैं। ये उन गाँव में बनाया जा रहा है जहाँ पर पानी की अत्यधिक समस्या रहती है और जहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जो बारिश का पानी होता है वो पीने के लिए सबसे शुद्ध माना गया है, तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हम लोग बारिश का पानी का संचयन कर सकें और उसको पीने में प्रयोग कर सकें। जो यहाँ पे काफ़ी अधिक फ्लोराइड की समस्या है, तो बारिश के पानी में फ्लोराइड भी नहीं होता है, तो लोगों को अच्छा पानी इससे मिल सकेगा। मई जून में जब जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है।